हमारी मांगे पूरी करो, 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 वापस आओ। गाली आ रही है तभी होगा यार, बिना मीडिया के थोड़ी होगा। मीडिया का सपोर्ट रहेगा तभी होगा आपके। हमारा नाम गवर्नमेंट से हटा के प्राइवेट कर रहे हैं। हां वो सही है तुम्हारी। बैठ जाओ नौकरी लगते तो मेरी किसी नौकरी के लिए कांच मारा दे समझते हो क्या? संस्था प्राइवेट भी हो सकती है, सरकारी भी हो सकती है, लेकिन ताला नहीं लगा सकते। हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था यही सोच के कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। हमारा रीप के थ्रू एडमिशन हुआ था। हमें 3 साल हो गए पढ़ते हुए, अभी तक हमारी 3 साल की डिग्री गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से आ रही थी। अभी 2-3 दिन पहले अखबार में आया कि गवर्नमेंट को नाम हटाया जा रहा है हमारे कॉलेज से, लेकिन अब हम फाइनल ईयर में हैं, हमारी मार्कशीट पे गवर्नमेंट लिखा नहीं आएगा। अब हमारी 3 साल की मार्कशीट पे गवर्नमेंट है, फाइनल ईयर की मार्कशीट पे गवर्नमेंट नहीं होगा तो हम आगे क्या प्रूफ देंगे कि दोनों कॉलेज एक ही है? हम आगे तो बहुत बड़े कंफ्यूजन में आ गए कि भाई हम आगे क्या जवाब देंगे। हम यही क्लियर करते रहेंगे कि हमारा कॉलेज कौन सा है। तो हमारी मुख्यतः मांग यही है कि हमारे कॉलेज से जो गवर्नमेंट नाम हटाया जा रहा है वो ना हटाया जाए। इससे हमारे भविष्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कि हमारी मांग यही है कि गवर्नमेंट रहे ना हटे। इसके अलावा क्या मांग रही है? इसके अलावा हमने प्रिंसिपल सर आए थे, हमने गेट पे लॉक लगाया। उन्होंने बोला कि बीओजी की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कोई बात रखी आगे, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें यही आश्वासन चाहिए कि कितने दिन के अंदर हमारी मांगों को माना जाता है। हम यही चाहते हैं आज हमें रिटर्न में ये प्रूफ मिल जाए कि हमें 7 दिन के अंदर हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। नहीं होता तो फिर आगे इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। सारे पूरे राजस्थान के सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने अपनी मांग रखी है, हम भी अपनी मांग रख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो। नाम बताया? मेरा नाम मांशु गोयल है, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। हमने अपनी गवर्नमेंट डिग्री के लिए प्रदर्शन किया है। अब हमारा कॉलेज ऑटोनोमस हो चुका है। पहले गवर्नमेंट था, जब हमने एडमिशन लिया हमने गवर्नमेंट के बेसिस पे एडमिशन लिया था, अब ये प्राइवेट हो गया है। तो हमें गवर्नमेंट डिग्री ही चाहिए, इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। ताला लगा दिया था। हाँ जी, उसके बाद जो ताला तोड़ दिया गया, क्या मानते हो? 2 बार लोग तोड़ दिया गया। हमें अपनी डिग्री चाहिए, हमने इसलिए ताला लगाया था। प्रशासन ने ताला तोड़ दिया, अब क्या करोगे इस पर? हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। जब तक हम स्ट्राइक करेंगे जब तक हमें डिग्री का पूरा वो नहीं मिलेगा। आपका नाम? दीपांजलि। विद्यार्थियों से हमारी बात हुई है और विद्यार्थी अभी हमें कुछ समय पहले सरकार के आदेश प्राप्त हुए हैं कि ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है ये इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है। इसके पहले राजकीय वार्ड की हमें BOG से अनुमति प्राप्त थी, उसके राजकीय वार्ड का हम यूज़ कर रहे थे, बट अभी सरकार के आदेश थे कि इसको राजकीय वार्ड को हमें यूज़ नहीं करना है। तो उसको लेकर बच्चों में थोड़ी सी डर है कि राजकीय वर्ड का इस्तेमाल नहीं होने से उनके भविष्य पे कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे सरकार के आदेश थे उसकी पालना हम कर रहे हैं और बच्चों की जो भावना है उससे भी हम हमारे अधिकारियों को अवगत कराएंगे निश्चित रूप से। थैंक यू। सर आपका नाम? डॉक्टर उमाशंकर मोदानी, प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर।